दोस्तों क्या आपको पता है हिज हाइनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली है? नहीं, मैं लवासना की बात नहीं कर रहा, मैं कावेरी रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसके हम कावेरी रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डैम्स इस पर उपस्थित हैं उसको डिस्कस करेंगे, वाटरफॉल्स कौन कौन से रिवर बनाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया पिछले डिस्कशंस में, किसी भी रिवर सिस्टम को याद करते वक्त हमारा माइंड को मैप करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के किस पार्ट से आता है। तो जैसे ये कावेरी सिस्टम आपके दिमाग में आए, आपको ये इमेज क्लिक कर जानी चाहिए, चाहे हम कावेरी की बात करें या कावेरी के किसी भी ट्रिब्यूटरी की बात करें। तो ये एरिया कहाँ पे है? ये एरिया है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में। 54% जो रिवर बेसिन है दैट इज दिस, ये तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में है। 4% केरला में है, आप देखिए 4% ये केरला है, 4% इज इन केरला ओनली, देन रेस्ट ऑफ इट इज इन कर्नाटका, रेस्ट ऑफ इट इज इन कर्नाटका। तो ठीक है, ये पता पड़ गया कि कौन कौन से स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में जो कावेरी का रिवर बेसिन है वो लाई करता है। अच्छा, और हमें क्या पता पड़ता है? और हमें हम पता पड़ता है कि नेचर, ठीक है, रिवर का जो नेचर है, चूंकि पेरेन्सुलर इंडिया में है तो वी एक्सपेक्ट कि पेरेनियल नहीं होगी। तो बात आपकी सही है, पेरेनियल तो नहीं है, बट थोड़े फ्लक्चुएशंस कम है। क्यों फ्लक्चुएशंस कम है? पानी के लेवल फ्लक्चुएशंस क्यों कम है? क्यों? क्योंकि समर में इसको मिलता है साउथ वेस्ट मानसून, समर में इसको मिलता है साउथ वेस्ट मानसून, और जब विंटर में जब मानसून रिसीड कर रहा होता है तब इसको मिलता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा पानी के लेवल में जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, दोनों मानसून में इसको बारिश प्राप्त हो जाती है और थोड़ा पानी का लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। आप मोटा मोटा समझने के लिए इसको समझ लीजिए, लेकिन पेरेनियल रिवर है फिर भी इसको हम नहीं बोल सकते। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए वो कि रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? दिस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स। दिस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, और ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, ताल कावेरी एक जगह है जो ब्रह्मगिरी हिल्स से है, वहां से ये रिवर शुरू होती है, एंड एज यू कैन सी ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये पता पड़ गया। अब क्या हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देख पा रहे हैं? फॉर एग्जांपल लेट अस सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स इससे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कृष्णा रिवर में बने हुए हैं, एक है कृष्ण राजा सागर और दूसरा है मेट्रो रिजर्वर। दिस इज कृष्ण राजा सागर, आप देखिए मैसूर के पास है, दिस इज मैसूर, ये मैसूर के पास है कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा सागर जो बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, और दूसरा है मेट्टूर, मेट्टूर इज हेयर। ये दो जो डैम है, कृष्ण राजा सागर एंड मेट्टूर, ये दोनों डैम कावेरी रिवर पे बने हुए हैं। अच्छा, वाटरफॉल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? दो वाटरफॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम वाटरफॉल एंड होगेनकल वाटरफॉल्स। तो होगेनकल वाटरफॉल तो ये दिख रहा है आपको, होगेनकल वाटरफॉल, और शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है? इट इज हेयर, शिव समुद्रम वाटरफॉल, मैं लिख देता हूं शिव समुद्रम वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल इज हेयर। दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, मैच द कॉलम में कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है, कौन सा डैम किस रिवर पे है, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन बन सकती है। ठीक है, तो दो डैम हो गए कृष्ण राजा सागर एंड मेट्टूर डैम, एंड दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हो गए होगेनकल एंड शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट सिटीज, कौन कौन सी है? हम सिटीज देखते हैं, एक तो है श्रीरंगपट्टनम, ये तो हमको पता ही है, टीपू सुल्तान के हमको पता ही है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये सिटी यहाँ पे है मैसूर के पास है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिटी है तिरुचिरापल्ली, एनआईटी त्रिची जहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली, दैट सिटी इज हेयर, एंड इरोड, दिस इज योर थर्ड सिटी। सो दे आर थ्री इंपॉर्टेंट सिटी दैट आर सिचुएटेड ऑन दिस पर्टिकुलर कावेरी रिवर। तो हमको पता पड़ गया तीन सिटी है, श्रीरंगपट्टनम, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, तो हमको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, इरोड एंड तिरुचिरापल्ली। तो तीन सिटी पता पड़ गया, देन हमको डैम पता पड़ गया, कौन कौन से डैम है, बार बार बोल रहा हूँ, कृष्ण राजा सागर इंपॉर्टेंट डैम है एंड मेट्रोर इंपॉर्टेंट डैम है। दो वाटरफॉल पता पड़ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होगेनकल वाटरफॉल एंड शिव समुद्रम वाटरफॉल जो यहाँ पे है। ठीक है, तो मेजर डैम्स, वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, नेचर क्या है रिवर का, ब्रह्मगिरी हिल्स ताल कावेरी से निकल रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। तो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हमको पता पड़ गया, क्या बचता है? ट्रिब्यूटरी बचती हैं, तो चलिए ट्रिब्यूटरीज को भी देख ही लेते हैं। तो ये जैसा मैं कह रहा था, ओरिजिन कहां से है, ड्रेनेज कहां से है, नेचर, मेजर डैम्स, वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट
सेंटर्स कौन कौन से हैं जो हमको पता होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे, ठीक है। नाउ दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, और जैसा कि मैंने कहा हिज हाईनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली, ठीक है। हिज हाईनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, मैं लिख देता हूं आपको बाद में याद भी रहेगा, दिस इज फॉर एकेडमी एंड दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड दिस इज लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली, हिज हाईनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली। तो अब आपको ट्रिब्यूटरीज याद हो जानी चाहिए, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमावती, शिमसा एंड अर्कावती। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मण तीर्था, भवानी, सुरनावली एंड नोएल, अमरावती एंड कबनी, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी मैच द कॉलम में कौन सी ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है ये यूपीएससी पूछ सकता है, और इसके लिए निमोनिक्स मैंने आपको दे ही दिया है। हिज हाईनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली। अब क्या बचता है इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेट अस लोकेट दीज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज इंडिया के कौन कौन से पार्ट में है, ठीक है। तो चलिए साथ में लोकेट करते हैं, ये कौन सी है, हारंगी लिखा भी हुआ है, हारंगी दिस पटो, ये तो है कावेरी रिवर, ये ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, दिस इज कावेरी रिवर एंड दिस इज लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी दैट इज हारंगी, दिस इज हेमावती, देन दिस इज शिमसा लिखा भी हुआ है, शिमसा, देन दिस इज अर्कावती, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी का जो ये था वो है ये अर्कावती, ठीक है। तो दीज आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को हम देखने चले तो कौन कौन सी होंगी, दिस इज काबिनी, यह है लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था रिवर, दिस रिवर इज लक्ष्मण तीर्था मैसूर के पास, ठीक है, दिस इज काबिनी, और ये कौन सी रिवर है, सुरनावली लिखा भी हुआ है, सुरनावली, ठीक है, दिस इज भवानी रिवर, देन उसके अलावा दिस इज अमरावती एंड दिस इज नोवेल एंड दिस इज अमरावती। तो आई होप अभी आपको पता पड़ गया होगा हिज हाईनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली कि इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं और मोटा मोटा वो कावेरी रिवर्स में कहां कहां पे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मेट्रो डैम यहां पे है, कृष्णराजा सागर डैम यहां पे है, जो हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन केस में है डैम्स, जो डैम्स डिफरेंट रिवर से बने हुए हैं, और चूंकि आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो डैम्स हैं, जो डैम्स के नाम है वो रिवर्स के नाम पे ही हैं, तो यूपीएससी ये क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ डैम्स हैं जो इन ट्रिब्यूटरीज पे बने हुए हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में, हमने निमोनिक्स भी इसको याद किया है, हिज हाईनेस श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी खोली, हमने ये भी देखा कौन कौन से वाटरफॉल्स इस पर उपस्थित हैं, कौन कौन से डैम्स इस पर बने हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज इस पर लोकेटेड हैं जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाए, आप 7 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 1 महीने के अंदर इसी को जरूर रिवाइज करें ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन सेट हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम दूसरे रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।